नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 फिर से लगा देंगे, दलित भाई बहनों का अधिकार खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव जी, अगर आप सही में, अगर आप में दम है तो कांग्रेस से साथ छुड़ा करके दिखा दो। धर्म के नाम पे इस देश में रिजर्वेशन है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा क्या? नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पॉकेट में रख लेते हैं और उसके साथ अन्याय? कि आम आदमी पार्टी के लोगों की एक आदत हो गई है, ये केवल आरोप लगा के भाग जाते हैं। इसके लिए उनको प्रूफ देना पड़ेगा। पीछे भी आपने देखा होगा, कोई बोलता है मुझे इतने पैसे का ऑफर दिया गया, तो पूछा जाता है कि भैया किस फोन से आया था, बोले वो नहीं बताएंगे। तो आम आदमी पार्टी के लोग ने थोड़ा सा इस समय, चूंकि दिल्ली की जनता की नजरों में बहुत वो नीचे आ चुके हैं, तो ऐसे में परेशान रहते हैं, तरह तरह के आरोप लगा करके ऐसी न्यूज सनसनी पैदा करना चाहते हैं। बवाना वार्ड नंबर, ये आप पार्टी का ऑफिशियली इन्होंने हैंडल में किया है और कंप्लेन किया है, रामचंद्र उनको आप लोगों ने किडनैप किया, ये ऑफिशियली वो कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो ऑफिशियली अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से उनके कंप्लेन होंगे, और आपसे मैं वादा करता हूं अभी आपके अलग से निकलने के बाद मैं तुरंत पुलिस से बात करूंगा और इस घटना के अंदर जो भी अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई होगी, सच्चाई क्या है उसको लाएंगे, दोषी को सजा मिलेगी। बीजेपी कल से मैम चला रही है, पीएम मोदी खुद अपनी मेंबरशिप कल रिन्यू करने वाले, जेपी नड्डा रिन्यू करवाएंगे। योगी कह रहे हैं कि कोई जाति धर्म कोई बड़ी बात नहीं है, पहले देश है, तो पहले देश के हित में हम लोग काम करेंगे। देखिए, हमारे लिए तो पार्टी से बड़ा देश है, दूसरी पार्टियों के लिए देश से बड़ी उनकी पार्टी है, देश से बड़ी सत्ता है। आप अभी देख भी सकती हैं कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पे कांग्रेस जैसी पार्टी कलकत्ता की घटना पे निंदा तक नहीं करी, क्योंकि वो उनके अलायंस के लोग हैं, टीएमसी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का कल से सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल रिकॉर्ड लोग पहले ही दिन जुड़ेंगे बीजेपी से। मैं सभी लोगों से प्रार्थना भी कर रहा हूं और कल पूरा देश देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी से भारत के लोग कैसे जुड़े हुए हैं। जो इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के चुनाव होने हैं, तो मुख्य कह रही है कि हमारा मोटिव रिकॉन्सिलिएशन और डायलॉग करने का है, जबकि बीजेपी जो है वो डायलॉग आप लोग करना नहीं चाहते हो। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं पावर के लिए नहीं, लड़ रहे हैं डायलॉग करने के लिए, ताकि शांति रहे कश्मीर में। देखिए, कोई धमकी दे कि कश्मीर में अशांति कर देंगे तो वो दौर चला गया। रही बात, बीजेपी से बड़ा कोई डायलॉग स्थापित करने वाला नहीं है। हम तो हर हाल में डायलॉग स्थापित करते हैं, लेकिन जिन लोगों को डायलॉग स्थापित करने को दिया गया था और दिल्ली से लाखों कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, नरसंहार हुआ, लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई उसको कहना, बोलना, लिखना हृदय क्षोभ और पीड़ा से भर जाता है, उन लोगों को जिस दिन डायलॉग करना था वो तो डायलॉग नहीं किए। अब तो कश्मीर में एक नई लीडरशिप है। आप देखिएगा, पिछला चुनाव भी जब हुआ था, डीडीसी का चुनाव, तो ज्यादातर कौन जीत के आया? नए नए लीडर्स आए। आज जम्मू कश्मीर की बेटियां, वहां के बच्चे, वो सब एक बड़ी उड़ान उड़ना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। आपके सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो नाली साफ करता है, जो कूड़ा उठाता है, उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी वही काम करे। आप देखिए, कहने में और सच्चाई में बहुत अंतर है ना। हमने 370 हटाया जम्मू कश्मीर से। 370 के तहत क्या होता था कि एक वाल्मीकि समाज का बच्चा वही काम करेगा जो उसके माता पिता दादा पहले से करते आ रहे थे। हमने वो 370 हटा दिया। नहीं, उस समाज का बेटा भी अधिकारी बनेगा, पढ़ लिख करके वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, व्यवसाय करेगा। आज तेजस्वी बाबू बता दें, कांग्रेस ने ये फारूक अब्दुल्ला परिवार से
नेशनल कॉन्फ्रेंस से कर लिया दोस्ती गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम 370 फिर से लगा देंगे, दलित भाई बहनों का अधिकार खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव जी, अगर आप सही में, अगर आप में दम है तो कांग्रेस से साथ छुड़ा करके दिखा दो। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि आबादी अगर ज्यादा है तो उनको ज्यादा परसेंटेज इलेक्शन में मिलना चाहिए, उनकी पार्टी में 18% मुस्लिम भागीदारी का निकल, ये भी कह रहे हैं। भाई उस हिसाब से तो हिंदुओं को भी दे दो। धर्म के नाम पे इस देश में रिजर्वेशन है क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा क्या? नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पॉकेट में रख लेते हैं और उसके साथ अन्याय करते हैं?